हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पवित्रा राव किचन। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ झटपट बनने वाला एक यूनिक नाश्ता, वो भी इन दो पके हुए केलों से। ज़्यादातर लोग ये ऐसे पके हुए केले जो होते हैं वो फेंक देते हैं, जबकि मैं आपको बता दूँ पका हुआ केला हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारी स्किन बहुत ग्लो करती है। इसमें डायबिटीज़ पेशेंट अगर खाएं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये हार्ट के लिए बेनिफिशियल है और इसे मोटापा कम करने में भी हमारी मदद होती है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाना को स्मैश कर लेते हैं और मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच दही। दही ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच शक्कर। आप जितना मीठा खाना चाहिए उस हिसाब से शक्कर ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ 3 चम्मच डाल रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कार्डमम पाउडर यानी इलायची पाउडर और करीब 4 से 5 टेबलस्पून इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच रवा। आपके पास कोई भी बारीक रवा हो या नहीं हो तो उसे आप पीस लीजिए, वो इसमें ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें एक थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अब हम इसे एक 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। दोस्तों हमें इसे डीप फ्राई करना है इसलिए मैंने तेल ऑलरेडी गर्म करने रख दिया था। इस तरह के चम्मच की मदद से हम इसे फ्राई करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है फ्राई करने का। इस तरह से आपको हाथों का इस्तेमाल करना भी नहीं पड़ेगा और आप चाहे उतने भजिए एक साथ कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं। जब भी आपको छोटी सी भूख लगी और समझ में ना आए कि क्या बनाना चाहिए, क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और आपके घर में अगर ऐसे कोई केले पड़े हों तो आप ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसका एक और तरीका है, अगर आप इसे फ्राई नहीं करना चाहें तो आप इन केलों को आटे में गूंद कर उसकी छोटी छोटी चपाती या रोटी की तरह बेल कर उसको चाय में डिप करके भी खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी और हेल्दी लगता है। तो चलिए हमारे भजिए ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और देखिए कितना मस्त फूल गए हैं ये। और बिलीव मी गाइस, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है जैसे मैंने आपको बताया, चम्मच की मदद से बैटर को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाना है और बस 4 से 5 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। दोस्तों आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी पे। तब तक यू टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।